हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज के समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद और बिहार विधानसभा में हुई धरना पर राज्य के बिहार बंद के तहत रेल से सड़क तक पर प्रदर्शन। होलिका दहन, होली और शबे बारात एक ही दिन, दोनों पर्व शांति सौहार्द और कोरोना गाइडलाइन के तहत हो। डीएमएसएसपी ने की शांति समिति की सदस्यों के साथ बैठक। और विधि व्यवस्था भूमि विवाद को लेकर डीएमएसएसपी ने की संयुक्त बैठक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैट 37,000 से लेकर 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से, बात करते हैं कि बंदी की। जी हां, किसान आंदोलन के तहत भारत बंद और बिहार विधानसभा में जो हाथापाई हुई, जो मारपीट का रूप लगा, उसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल का बिहार बंद। ट्रेन से लेकर सड़क तक पर चक्का जाम। सुबह से ही लगातार बिहार संपर्क क्रांति की बात हो या चौक चौराहों की बात, एक तरफ किसान आंदोलन के तहत किसान जाम करते रहे तो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने पार्टी स्तर पर झंडा बैनर लेकर हर जगह जाम रखा। गाड़ियों को रोका, दुकानें बंद करवाने की कोशिश की, स्टेशन पर जाकर ट्रेन को कई घंटों तक रोके रखा। जगह जगह आंदोलन और प्रदर्शन। बंद, बंद का क्या असर, देखिए कैमरे की नजर। 26 मार्च को देश के विभिन्न हिस्सों में किसान आंदोलन का 4 महीना पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद और महागठबंधन की ओर से बिहार बंद के तहत लहरियासराय में भी बंद का असर रहा। जगह जगह टायर जलाकर सड़क जाम भी किया गया, रास्ता बाधित किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन के साथ साथ केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ अहले सुबह ही भाकपा माले के लोगों ने लहरियासराय स्टेशन पहुंचकर ट्रेन परिचालन को बाधित कर दिया। प्रदर्शनकारी रेल की पटरी पर पहुंचकर जानकी एक्सप्रेस को रोककर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी 3 कृषि बिल को वापस लेने के साथ साथ बिहार में पुलिस अधिनियम बिल पारित करने के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शनकारी केंद्र सरकार को हिटलर बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री को तानाशाह की संज्ञा देकर जमकर कोसते नजर आए। प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। की हत्या नहीं सहेंगे, लोकतंत्र के सदन में विधायक बदले कौन सी सरकार, कर्म करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस तरह से बिहार में लोकतंत्र समसार हुआ है,
लोकतंत्र के मंदिर बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष की जो गुंडागर्दी हुई है उस गुंडागर्दी के खिलाफ संपूर्ण बिहार बंद है। आप देख रहे हैं खेत खेती को निजी कंपनी अडानी अंबानी के हवाले ये मोदी सरकार कर रही है। कोरोना के नाम पर पैसेंजर ट्रेन बंद है लेकिन अमित शाह के रोड शो हो रहा है। इन तमाम सवालों पर आज संपूर्ण भारत और बिहार बंद है। सड़क का सदन पर जनता का आंदोलन तेज है और जनता के आंदोलन के दम पर हिटलर शाही मोदी सरकार को और तानाशाही नीतीश सरकार को जो गुंडागर्दी कर रही है, नफरत फैला रही है, इसको देश और बिहार से जाने की गारंटी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी बंद समर्थकों के साथ राजद कार्यकर्ता शामिल थे। दरभंगा स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन को घंटों जाम किया और सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। तीन कृषि बिल को वापस लेने के साथ साथ बिहार में पुलिस अधिनियम बिल के खिलाफ भी प्रदर्शन करते रहे। जिंदाबाद। 2021 को भारतवर्ष के इतिहास में एक काला दिन, जो 3-3 लाख लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से हाथापाई की गई, मार्शलों को बाहर से पुलिस फोर्स बुला करके उनके ऊपर अत्याचार किया गया, जबरन घसीट करके सदन से बाहर निकाला गया, जो कि सदन के हकदार है, सदन में वो अपने आप नहीं पहुंचे, सदन में 3 लाख जनता के द्वारा प्रतिनिधि बन के पहुँचे हैं। ऐसे प्रतिनिधियों के द्वारा जिस प्रकार का काला कुकर्म नीतीश कुमार के लोगों ने या नीतीश कुमार के प्रशासन के द्वारा किया गया है, उसका हम लोग निंदा करते हैं। साथ में उसी दिन युवा राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथी पूरे बिहार से पटना में एकत्रित हुए थे बिहार विधानसभा घेराव को लेकर के, और उनकी मांग थी जो 19 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात नीतीश कुमार जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था चुनाव के समय में, वो मैनिफेस्टो कहाँ गया, वो रोजगार कहाँ गया, यहाँ आए दिन हत्या लूट बलात्कार जैसी घटनाएं होती है। ट्रेन जाम करते हुए, चक्का जाम करते हुए बंद समर्थक पहुंच गए सड़क पर और लहरिया सराय मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया। सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। वहीं दूसरी तरफ लहरिया सराय टावर पर बंद समर्थकों ने सड़क जाम कर टायर जलाया, आगजनी की और सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। तीन कृषि कानून, बिहार में पुलिस अधिनियम बिल पारित करने के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी होती रही। कई संगठन एक साथ मिलकर किसान मोर्चा, भाकपा माले, राजद सभी मिलकर एकजुट होकर सड़क पर उतर गए और सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। 26 मार्च को देश के किसान आंदोलन का 4 महीना पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद और महागठबंधन की ओर से बिहार बंद के तहत लहरिया सराय को बंद किया। समर्थकों ने जगह जगह टायर जलाया, आगजनी की, सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। से शुरू हो करके पूरे देश में पहुंचता है और इस तरह से जनता की जीत होती है, लोकतंत्र की जीत होती है। हम लोगों ने 74 के आंदोलन को देखा था, फिर 74 का आंदोलन इस बिहार में दोहराएगा और एक बड़े आंदोलन की मुहाने पर बिहार खड़ा है। हम नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी फौजी और पुलिसवादी जो शासन व्यवस्था है हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिहार से लोकतंत्र की आवाज पूरे देश में गूंजती है, इस बार भी जो हम यूपी के तर्ज पर बिहार में शासन चलाने देना नहीं चाहते। बिहार को यूपी बनाने का जो खड़यंत्र किया जा रहा है इसको चलने नहीं दिया जाएगा। संपूर्ण गठबंधन के लोग आज बंद में हैं। हम लोगों का जो डिमांड है खास तौर से
कि अभी बिहार में जो काला कानून बिहार सरकार ने लाया है ये नीतीश कुमार का तानाशाही रवैया का सूचक है। ये संविधान के विरुद्ध है, मौलिक अधिकार के विरुद्ध है और नीतीश कुमार बा जबरदस्ती जो विधायकों को लात घूंटा डंडे से जूतों से मरवाया है उसके विरोध में आज बिहार बंद हम लोग गठबंधन के लोग कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं, हम लोग है कि मांग है कि इस तरीके से तीन किसान कानून के खिलाफ में जो देश भर के किसान हैं उसी तरीके से बिहार के किसान तीनों कृषि कानून के साथ बिहार में जो काला कानून लागू किया है उसके खिलाफ में है। इसको सरकार जब तक वापस नहीं लेगी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। संपूर्ण बिहार को बंद किया गया है। आप जानते हैं कि लोकतंत्र का बड़ा मन रहा है, सभी जनप्रतिनिधि ही वहां जाते हैं। काले कानून का ही सवाल नहीं है, सवाल उठता है बेरोजगारी दूर नहीं हो पा रही है, महंगाई नहीं रोकी जा रही है और सारे चीजों को निजीकरण किए जा रहे हैं। सदन के अंदर में विपक्ष ताकतवर है, कम से कम वहाँ सत्ता पक्ष के लोगों को उनसे राय लेनी चाहिए, विचार करनी चाहिए, लेकिन कुछ मंत्रियों का को बचाने के लिए और मुख्यमंत्री अपने कुकर्म को बचाने के लिए काले कानून भाई जबरदस्ती पास कराया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद है और महागठबंधन के ओर से बिहार बंद है। अभी जो तीन कृषि कानून केंद्र सरकार ने लाया है और ये पुलिस विधेयक कानून जो आज बिहार विधानसभा में पारित किया गया है, ये कानून निश्चित तौर से हम कहना चाहते हैं जो पुलिसिया राज कायम करने के लिए पुलिस को नंगा नाच करने के लिए ये कानून बनाया गया है। इसलिए आज कृषि कानून वापस लेने और ये जो पुलिस विधेयक कानून है उसको वापस लेने की मांग को लेकर आज हम लोग ये दरभंगा के लहरियासराय टावर को जाम किए हुए हैं। और जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता है, जब तक ये पुलिस विधेयक जो कानून बना है बिहार में वह वापस नहीं लिया जाता है, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगा। आज का भारत बंद तीन कृषि कानून के विरुद्ध में है। किसानों के चार महीना हो गए, चार महीना से यह आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के दरमियान किसानों ने अपने अनुभव से कई बातों को सीखा। पहला तो उसने सीखा कि देशव्यापी हमको संगठित होना चाहिए, इसीलिए 500 किसानों ने संगठित होकर के 500 किसान संगठनों ने संघर्ष के मैदान में है। उन्होंने यह भी सीखा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं मतदाता भी है और अपने मत के आधार पर इस सत्ता को भी बदल सकते हैं। इसलिए लड़ाई का अब यह दूसरा चरण है जिसमें भारत सरकार के खिलाफ किसान बगावत के मैदान में है। जो आप जैसा आप सब लोग जानते हैं, जो चार महीना से किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर सिंधु बॉर्डर पर है कृषि बिल के खिलाफ, और ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उस कानून को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। चार श्रम कानून जो है जो मजदूरों के विरोध में है उस सवाल पर आज भारत बंद है। बिहार में ताजा स्थिति जो 23 मार्च को आप देखने को मिला होगा, हमको इमरजेंसी का जो दौर है उस चीज का याद दिला रहा है। आज नीतीश की जो सरकार है, मोदी की जो सरकार है, वो फासिस्ट एजेंडा को जो हमको थोपने की कोशिश कर रहा है। करते हैं होली का दहन और सबे बारात की विधि व्यवस्था, और एक ही दिन दोनों पर्व, रविवार को होली का दहन और उसके बाद सबे बारात, और आपसी भाईचारा के साथ कैसे मने। जिला शांति समिति की बैठक हुई, जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम,
वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। शांति समिति के सदस्यगणों ने अपने सुझाव दिए। होलिका दहन उसी दिन और सभी बारात उसी दिन, तो कैसे सौहार्द बनी रहे इस पर चर्चा हुई। होलिका दहन, शबे बारात एवं होली को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें शांति समिति के सदस्य भी मौजूद थे। संवेदनशील स्थलों से अवगत कराते हुए उन स्थलों पर विशेष चौकसी बरतने का सुझाव दिया। उनके बहुमूल्य सुझाव में मोटरसाइकिल, ट्रिपल सवारी व अश्लील गानों पर रोक लगाने, महापुरुषों के प्रतिमा स्थल से हटकर होलिका दहन करवाने, बिजली के तार के नीचे से दूर होलिका दहन करवाने, शराब माफिया पर नकेल कसने, वाहन हेलमेट व मास्क चेकिंग करवाने, रात्रि में 8 बजे के बाद चाय व पान की दुकानें बंद करवाने, होलिका दहन के बाद लोगों को अपने घर जाने जैसे सुझाव दिए गए। शांति समिति को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं उसे बैठक में उपस्थित संबंधित पदाधिकारियों द्वारा नोट किया गया है और उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से कहा कि होलिका दहन शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु शांति समिति के सदस्यों को रात भर जागने की आवश्यकता है। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन करने हेतु लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रशासन द्वारा भी इसका अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। उन्होंने टीकाकरण के लिए भी लोगों को जागरूक करने की अपील की। शांति समिति के सदस्य प्रशासन के अंग हैं और पदाधिकारियों को उन्हें प्रशासन का अंग मानते हुए उनके सुझाव को मानना चाहिए। इस अवसर पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शांति समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझाव नोट कर लिए गए हैं। हेलमेट चेकिंग, वाहन चेकिंग, ट्रिपल सवारी पर रोक, रात्रि में चाय पान की दुकान बंद करवाने जैसे उन सभी सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। जिला एक शांति प्रिय जिला, दुर्गा पूजा मोहर्रम हम लोग एक साथ गुजारे हैं, नौवीं अठवीं को गुजारे हैं, तो ये सौरात है, होली है, तो शांति समिति का सदस्य जो भी है वो अपना अपना एरिया में जो समत माने एरिया में चारों पांचों समत होता है उसको देख ले और थाना प्रभारी उसमें सहयोग करे तो अच्छा पूर्वक शांति पूर्वक गुजर जाए। विशेषकर नगर थाना में हसन चौक पर एक मामला, हसन चौक पर है, चौक से थोड़ा आगे एक समत जलता है जिसमें 63 हम लोग माना करने के बाद भी, थाना को कहने के बाद भी ऐसा समत जला कि बिजली का तार वहाँ जल गया। इम्प्लीमेंट होने से ये ऐसा लगता है जो 90% बिहार और दरभंगा शांति के माहौल में चल रहा है, जैसा कि 10% जहाँ भी गड़बड़ी है उसके लिए एसएसपी साहब बहुत अग्रसर हैं और सरकार ने ही कोविड को देखते हुए डीजे पे रोक। सरकार का भी निर्देश है कि डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और उसमें भी यह निर्देश है कि अश्लील गाना बिल्कुल ही नहीं बजना चाहिए। और हमने निवेदन किया था राजस्व थाना को, जैसा कि अभी नगर निगम के आयुक्त महोदय के द्वारा एक अच्छा काम हल हो रहा है, जो कचरे को उठाने के लिए उनका गाना बजता है, हम चाहते हैं कि उसी गाड़ी पर एक स्लोगन निकले प्रचार के माध्यम से कि जबरन रंग न दे, जबरन किसी के साथ दूसरे समुदाय के साथ जबरदस्ती न करे। उसमें प्रशासन की ओर से ध्यान आकर्षित कराया गया है कि 28 को जो होली का दहन है उस रोज सुबह 12 का भी पर्व, संयोग से दोनों पर रात्रि के समय में ही होती है, तो इस तरह का कई पर्व दोनों भाइयों का, मुहर्रम भी और रामनवमी भी एक ही रोज पड़ा, और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जिला के रहने वाले शांतिपूर्वक एक दूसरे के पर्व को मनाने में आगे बढ़ के काम करते हैं।
होली और सभी बारात को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की और जो कार्रवाई है उसे करने का निर्देश दिया। शराब अवैध रूप से कहीं भी दिखे तो सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया। विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी थाना अध्यक्षों को दी। कहा कि जो सब लोग हैं, जो समाज के मुख्य धारा में लोग हैं, उनसे आपसी तालमेल कर थाना स्तर पर दोनों पर्व शांति पूर्वक मनाने की व्यवस्था करें। गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली मोड़ से होकर शराब आने की सूचना मिली और थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह दलबल के साथ दिल्ली मोड़ पहुंचकर छानबीन करना शुरू कर दिए। छानबीन के दौरान सारा मोहनपुर में ट्रक तलाशी लेते हुए भारी मात्रा में 22 लीटर विदेशी शराब के साथ गाड़ी को जब्त कर लिया गया। रात्रि गश्ती के दौरान ही यह गुप्त सूचना मिली थी सदर थाना प्रभारी को कि ट्रक से भारी मात्रा में शराब दरभंगा की ओर आ रहा है। उस सूचना के बाद थाना प्रभारी शशिकांत सिंह सक्रिय हो गए और उन्होंने आनन फानन में दिल्ली मोड़ पहुंचा। पहुंचकर छानबीन की तो सारा मोहनपुर में ट्रक की तलाशी लेते हुए भारी मात्रा में 22 लीटर विदेशी शराब के साथ गाड़ी को जब्त कर लिया गया। होली का दहन, होली और शबे बारात को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने सभी थाना अध्यक्ष को शराब माफिया के खिलाफ छापामारी करने का निर्देश भी दिया था और इसी निर्देश का पालन करते हुए सदर थाना प्रभारी अज्ञात व्यक्ति के गुप्त सूचना के आधार पर पहुंचे थे और वह सूचना सही भी हुई। ये अभियान चला हुआ है शराब के विरुद्ध और होली के मद्देनज़र इस प्रकार की कार्रवाई में मतलब की जा रही है और विगत दिनों आप देखे होंगे सिमरी थाना अंतर्गत भी तकरीबन 4000 से अधिक लीटर शराब पकड़ी गई थी और बीती रात्रि सदर थाना अंतर्गत भी करीबन 2200 लीटर के आसपास जो है विदेशी शराब की एक खेप पकड़ी गई है और वो गाड़ी यूपी नंबर की गाड़ी है और उस पर जब्त कर की गई है। हालांकि उसमें जो भी लोग थे वो भाग गए हैं, परंतु हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि किसकी गाड़ी थी और किसका सामान था। विधि व्यवस्था एवं भूमि विवाद को लेकर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त रूप से बैठक की। मालूम रहे कि हर शनिवार को अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के स्तर पर बैठक होनी है, फिर अनुमंडल पदाधिकारी को भी इस पर नजर रखनी है और माह में एक बार जिला पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर, जिसके तहत ये बैठक हुई। होली और शबे बारात पर्व शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में विधि व्यवस्था की बैठक आयोजित की गई। जिला अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष होली का दहन और शबे बारात एक ही दिन है। रात्रि में मुस्लिम समुदाय के लोग कब्रिस्तान जाते हैं और इबादत करते हैं। इस वर्ष इसी दिन रात्रि में होली का दहन भी है। वैसे कब्रगाह जिसके समीप होली का दहन किया जाता है उस पर रात में प्रशासनिक उपस्थिति अनिवार्य होगी और प्रशासन को पूरी रात मुस्तैद रहना होगा। होली के अवसर पर डीजे और नशा की समस्या रहती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीजे को प्रतिबंधित किया गया है। अक्सर देखा जाता है कि होली के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों पर या धार्मिक स्थलों पर रंग फेंकने के कारण विवाद उत्पन्न हो जाता है। जहां कहीं भी पूर्व में किसी भी त्यौहार के अवसर पर विवाद हुआ है वहां विशेष नजर रखनी होगी तथा वहां पूर्व में ही निरोधात्मक कार्रवाई करनी होगी। यदि कहीं किसी से घटना की सूचना किसी पदाधिकारी को मिलती है तो वे अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए स्वयं उस स्थल को मार्च करेंगे। यदि कहीं विवाद होने की संभावना प्रतीत होती है तो पूर्व में ही संदिग्ध लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। ऑनलाइन उपस्थित सभी अंचलाधिकारी को आगजनी की घटना में निर्धारित मानक प्रक्रिया के अनुसार तुरंत मुआवजा एवं पॉलिथीन सीट्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा किसी भी स्थिति में कागजी कार्रवाई पूरी होने के नाम पर विलंब न करने के सख्त निर्देश दिए हैं उन्होंने। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि होली के अवसर पर कोई पुलिस पदाधिकारी, मुंशी, यहां तक कि चौकीदार भी वर्दी में होली नहीं खेलेंगे। सभी अपनी वर्दी में ड्यूटी पर रहेंगे। सभी प्रकार की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यदि पूर्व से ही किसी ने छुट्टी ले रखी हो
तो भी छुट्टी के लिए प्रस्थान न करेंगे। यदि कोई प्रस्थान करता है तो कार्रवाई होगी। होलिका दहन के अवसर पर फायर ब्रिगेड को सचेत करते हुए तथा पुलिस पदाधिकारियों को रात्रि ड्यूटी करने के निर्देश दिए। कहीं भी डीजे नहीं बजेगा, यदि कहीं बजता है तो उसे जब्त करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। प्राथमिकी दर्ज न करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शराब माफिया एवं दबंग व्यक्ति के विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई की जाए। जिनके नाम गुंडा पंजी में दर्ज है उनको थाना में परेड कराया जाए। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को प्रत्येक शनिवार को तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक को प्रत्येक पखवाड़ा में भूमि विवाद निपटारा हेतु बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही भूमि विवाद के गंभीर मामलों की समीक्षा SDO एवं DSP को स्वयं करने के निर्देश दिए। और सब लोगों को कहा गया था कि मैक्सिमम पदाधिकारी को अपने साथ किसी में रखना। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने साथ में बिठाया और कुछ लोगों को, और जो लोग नहीं आ पाए यहाँ से जाने के बाद पहला काम है उनको ब्रीफ करना यहाँ क्या निर्देश दिए गए हैं। और जो इंस्पेक्टर और SDPO लोग हैं वो भी एक एक थाना से बात कर लेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जो जनरल इंस्पेक्शन ऊपर से आता है उसको जनरल तरीके से नीचे पार कर दिया जाता है, उससे बात नहीं होगी। हर एक DSP इंस्पेक्टर अपने थाना से बात कर लें कि वहाँ पे क्या संवेदनशील जगह है, कहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है, किस किस पे भी कार्रवाई की और गुंजाइश बची हुई है, इसको इफेक्टिव है वो कराना पड़ेगा। ये सीरियसली कराएं। और कल PC से बहुत क्लियरली प्रतीत होता है और क्लियर है कि सरकार इसको इस पर को शांतिपूर्वक निपटाने में बहुत गंभीर है, कमिटेड है और सबको निर्देश बहुत क्लियरली दिए हुए। एक खाली एक निर्देश में जोड़ दूंगा अंचलाधिकारियों का भी, आगजनी का घटना कल भी जगह पर हुआ और होते रहेगा, उसके लिए एक लेटर आया हुआ आपदा विभाग से, उसको सबको पढ़ लेना है और उसके अनुरूप SOP के अनुरूप काम करना है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबको का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद और बिहार विधानसभा में हुई धरना पर राज्य के बिहार बंद के तहत रेल से सड़क तक पर प्रदर्शन। होलिका दहन, होली और शबे बारात एक ही दिन, दोनों पर्व शांति सौहार्द और कोरोना गाइडलाइन के तहत हो। DMSSP ने की शांति समिति की सदस्यों के साथ बैठक। और विधि व्यवस्था भूमि विवाद को लेकर DMSSP ने की संयुक्त बैठक। बिहार सरकार के मंत्री सह जदयू नेता संजय झा ने बिहार बंदी पर विपक्ष के नेता को घेरते हुए कहा कि बंद करने वाले लोगों को पुलिस विधेयक बिल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, तब उस पर कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेकिन विपक्ष विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी को कब्जा कर सत्ता में आने का प्रयास कर रहा है, यह अनैतिक है। एक कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री सह जदयू नेता संजय झा दरभंगा पहुंचे थे। बिहार बंदी पर विपक्ष के नेता को घेरते हुए कहा कि बंद करवाने वाले लोगों को पुलिस विधेयक बिल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, अगर कोई बात थी तो बैठकर चर्चा करना चाहिए, लेकिन विपक्ष विधानसभा में स्पीकर की कुर्सी को कब्जा कर सत्ता में आने का प्रयास कर रहा। मंत्री ने कहा कि सदन में ऐसी घटना
नहीं देखा। सत्ता पक्ष के पास जितनी संख्या थी, अगर वे लोग धैर्य नहीं रखते तो बड़ी घटना हो सकती थी। मंत्री श्री झा ने बिना नाम लिए राजद पर तंज कसते हुए कहा कि इनके बंद करने के कारण लोगों को इतना परेशान किया जाता है कि खुद इनका 2% वेट भी कम हो जाता है। उन्होंने बंद को असफल बताते हुए कहा कि पटना से दरभंगा वे खुद 3 घंटे में पहुंच गए, इससे बंदी का अनुमान लगाया जा सकता है। पटना से सुबह 6 बजे चले और 9 बजे के आसपास दरभंगा पहुंच गए। रास्ते में उन्हें सिर्फ एक जगह कुछ जाम करना दिखाई दिया। नए पुलिस विधेयक कानून की तफसील से समझाते हुए कहा कि जो बिहार पुलिस है उसके कामकाज में कोई फेरबदल नहीं किया गया है, बल्कि किसी खास जगह और खास संस्था की सुरक्षा के लिए यह कानून आया है, जिसे बीएमपी को इसे देखना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि दरभंगा का हवाई अड्डा अब बीएमपी के हवाले है, लेकिन वहां भी कोई अपराध नहीं होने पर तत्काल कार्रवाई के बाद बीएमपी भी लोकल थाने के हवाले मामले को देगा, लेकिन तत्काल कार्रवाई करने का पूरा पावर बीएमपी के पास होगा। ये तो कई लोग अनुभव कर सके हम इस विषय पर बाद में, लेकिन 3 घंटा से कम समय में दरभंगा में इन कॉको हम कैंपस में आए गए। सब विद्वान लोग छे 2 मिनट हम जरूर बात करे। दरभंगा में एयरपोर्ट बनले, ओकर सुरक्षा का काज आप बिहार मिलिट्री पुलिस के करवा छे। नॉर्मली एयरपोर्ट का सुरक्षा सीआईएसएफ करे छे। जते उड़ान स्कीम का एयरपोर्ट छे वो स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस ओकर सुरक्षा करते। सीआईएसएफ जहन पटना एयरपोर्ट का करे छे, दिल्ली एयरपोर्ट का करे छे, तो ओकरा लग जे पावर छे वो पावर जे पुलिस दरभंगा एयरपोर्ट का सुरक्षा करते ओकरा ही पावर देल जते कि नहीं देल जते। ई तो नॉर्मल रोड वाला पुलिस नहीं छी। कायल जे एयरपोर्ट के अंदर कोनो तरह घटना हेते तो ओकरा पकड़े के पावर वो जे मान लिया कि वो फायरिंगे कऽ देलकै, ओकरा पुलिस पकड़तै कि जाके वारंट देतै ओकरा वास्ते। एहन कानून बंगाल यूपी मध्य प्रदेश सब ठाम रहै, एतौ रिफॉर्मे नहि भेल रहै, कियाकि प्रोग्रेस भऽ रहल छै। हम तऽ रोड के चर्चा करू, आप इन्वेस्टमेंट एतै, उद्योग लगतै, तो उद्योग का सुरक्षा सरकार करतै कि नहि करतै। महाबोधि टेम्पल में 2013 में टेररिस्ट अटैक भ गेल रहे, बहुत आदमी का ध्यान है, 7-8 साल पहले। आप महाबोधि टेम्पल का सिक्योरिटी जे नया जे आप तो नया नाम भ गेल बिहार मिलिट्री पुलिस करी छे, तो जे वो संस्थान का सुरक्षा का भार जे सरकार तय करते जे वो पुलिस करते, वो कैंपस का अंदर का सुरक्षा के लिए कानून छे। आ ओहो में जे पकड़ते ओकरा तुरंत थाना के दबाक छे और वही हिसाब से ओकरा पर कार्रवाई, यह ओहि कानून में छे। और ई कानून क्या टा स्टेट में लागू छे, जतो प्रोग्रेस है जैसे पहले तो किछ छलैए नै, तो जरूरते नै रहे कोई टाइप का सिक्योरिटी का, आदमीये का सुरक्षा का जरूरत रहे। विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से जल संसाधन मंत्री संजय झा को सम्मानित किया गया शुक्रवार। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, कला संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री आलोक रंजन झा और विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के साथ ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह को मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में MLSM कॉलेज के सभागार में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में उन्हें यह प्रदान किया गया। Thank you.
क्या चार महीने से जिंदा हो गया या बेहोश था, कब से पता नहीं था, अधिकांश से वो जिंदा हो गया। किसी में भी जान फूंक दें, प्राण डाल दें और उसे गतिमान कर दें, ऐसी ऊर्जा आदरणीय भैजू जी ने। तमाम मुलाकातें मेरी आपसे हैं, एक दो मुलाकात नहीं है। इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विद्यानंद झा जी, दिन है और वो इसलिए अद्भुत दिन है कि इस मिथिला की धरती पर कुलपति के रूप में मेरा पहला आगमन हुआ। उसके पहले कभी कोई अवसर नहीं मिला था कि मैं मिथिला की धरती पर आता हूं। लगभग 5 महीने मुझे कार्यकर्ते कुलपति के रूप में हो गया। बहुत सारी चीजों से मैं वाकिफ हुआ, उन तमाम सारी चीजों से वाकिफ हुआ जिनको पहले जानता नहीं। होली मिलन नहीं है ते, बसंत महोत्सव नहीं है ते, लेकिन अवध में रामक होली है, कृष्णक होली है, देव घर में महादेवा के संग गुरुवा के संग होली खेलते। तो हम वही बसंत के वेला और होली के मिलन से बिहार सरकार ज्योति दे। बात करते हैं कामेश्री प्रियापुर होम की। सफल संचालन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम साह ने बैठक की। पुअर होम, पुअर होम एक ऐसा नाम जो गरीबों के लिए बनाया गया था। अगर हम लगातार अपनी याद को पीछे के पन्नों में ले जाएं, तो लगातार इस पुअर होम को पुअर से निकलने का प्रयास, चाहे वह जिलाधिकारी के स्तर से बैठक हो, सामाजिक संगठनों द्वारा या फिर प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा, बदलाव तो दिख नहीं रहा। बहरहाल लगातार विकास और बदलाव की बात। कामेश्वरी प्रियापुर होम के सफल संचालन को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम साह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी सह मुख्य प्रशासक कामेश्वरी प्रियापुर होम द्वारा बताया गया कि पुअर होम के दुकानों के किराया का पुनर्निर्धारण हो गया है। पुअर होम के डॉक्टर क्वार्टर में 4 कमरे हैं, जिनमें से 1 में डॉक्टर तथा 3 में उनके स्टाफ रहते हैं। पुअर होम में 17 अन्य कमरे हैं जिनमें 8 परिवार रह रहा, प्रत्येक परिवार को 2-2 कमरे दिए गए हैं। 1 में तिवारी जी कर्मचारी के परिजन रहते हैं। 1 कमरे में सेवानिवृत्त कर्मी राजकिशोर सिंह की पत्नी रहती है। ये सभी अवैध रूप से रह रहे हैं। बैठक में उपस्थित जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने उन्हें 15 दिनों में खाली करने का नोटिस जारी करने के निर्देश सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर अवैध कब्जे वाले कमरे को खाली कराएं। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि अवैध कब्जा वाले कमरों की सूची अनुमंडल पदाधिकारी सदर को उपलब्ध करा दी गई है। इलाहाबाद बैंक में संधारित पुराने बैंक खाता हस्तांतरित हो गए हैं, लेकिन SBI का पुराना खाता अभी भी हस्तांतरित नहीं हुआ। एक फिक्स डिपॉजिट भी है, जिसमें फिक्स डिपॉजिट को पुनः फिक्स डिपॉजिट कराने के निर्देश दिए गए। पुअर होम की सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिनियुक्त करने के लिए 1 कर्मी का भी निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि CCTV कैमरे और पुअर होम के आतुर बाहर एम्बुलेंस को सिविल सर्जन के मार्गदर्शन में चलवाने के निर्देश दिए गए, ताकि निष्क्रिय आतुर वाहन का उपयोग किया जा सके। पुअर होम का मरम्मती किया जाना है, इसके लिए उसका एस्टिमेट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कुछ लोग उसमें गलत तरीके से रह रहे हैं, उनको भी हटाने के लिए कार्रवाई करने निर्देश दिया गया है, और फिर आगे क्या उसका कार्य योजना हो इसके लिए निर्देशित किया गया। ठीक है। 12वीं बिहार बोर्ड का परिणाम घोषित होते ही आइडियल पास में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 12वीं बिहार बोर्ड का परिणाम घोषित होते ही आइडियल पाथ में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों ने एक बार फिर से अपने संस्थान का नाम रोशन किया है। राज मिश्रा 429 अंक, अमर कुमार 420 अंक, शिवानी कुमारी मुजाकिर, वैभव झा, उदय कुमार के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। पास छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इंटर का रिजल्ट आया, बहुत ही अच्छा रहा है रिजल्ट।
और कल जीएमएन का रिजल्ट था जिसमें बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अब हम लोग का कोशिश है कि आने वाली समय लोग जे एडवांस के लिए बच्चों को अच्छे से तैयार कर सकें। इंटर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, अब हम लोग कोशिश करेंगे जे एडवांस और जे मेन को लेकर। हम लोग इंटर का भी अभी रिजल्ट आया है जिसमें मेरा टोटल मार्क्स 429 है और सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है। मैं यहाँ मैट्रिक में स्कॉलरशिप के बेसिस पे आया था। यहाँ आइडियल पाथ के सभी शिक्षकों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे इंटर एवं जेई मेंस जे एडवांस जितने भी प्रिपरेशन होते हैं सभी में अच्छा सहयोग दिया है। हमारी टीम पूरी लगन से अच्छे से, स्टूडेंट सब भी अच्छा से पढ़ाई किया है और अच्छा रिजल्ट लाया है। सबसे हाईएस्ट अभी तक जो पता चला है वो राज मिश्रा 429 नंबर और सभी सब्जेक्ट में वो डिस्टिंक्शन मार्क लाया है। इसके बाद अमर कुमार 420 नंबर है, वो भी सभी सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स लाया है। नेहरू युवा केंद्र द्वारा नवज्योति सेवा संगठन में पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम के राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। और बात कोरोना की करें या फिर होली मिलन समारोह की, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसके तहत होली मिलन समारोह नहीं होना है, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं। वैसे सूरी समाज समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कौन गलत कौन सही इस पर चर्चा अलग बात है, प्रतिक्रिया तो लोगों की होगी। बहरहाल कोरोना गाइडलाइन का पालन करना या न करना ये कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन कोरोना से बचना एक जिम्मेवारी, अपनी जान बचाना दूसरों की जान रक्षा करनी भी जिम्मेवारी। बहरहाल इन सब मुद्दों से अलग हटकर वैसे सूरी समाज द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन। वैसे सूरी समाज समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया वासुदेव प्रधान कार्यालय में। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन ने पहले ही इसकी सूचना माइकिंग के द्वारा करवाई थी शहर में कि होली मिलन समारोह कहीं भी आयोजित नहीं किए जाएंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में भारत बंद और बिहार विधानसभा में हुई धरना पर राज्य के बिहार बंद के तहत रेल से सड़क तक पर प्रदर्शन। होलिका दहन, होली और शबे बारात एक ही दिन, दोनों पर्व शांति सौहार्द और कोरोना गाइडलाइन के तहत हो। डीएमएसएसपी ने की शांति समिति की सदस्यों के साथ बैठक। और विधि व्यवस्था भूमि विवाद को लेकर डीएमएसएसपी ने की संयुक्त बैठक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।